हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूँ कविता इंडिया से। और जैसे कि आप सबको पता है कि प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ हम देख रहे हैं, और इजिप्ट से हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया, जैसे आप लोग सजेस्ट करते रहते हैं। सो क्योंकि अभी वो वाला पार्ट आया जहाँ पे ग्रेन स्टोरेज कराया जा रहा है प्रॉफिट यूसुफ द्वारा, तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक ब्लॉग शेयर करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप रियल में वो प्लेस देख सकती हैं जो आपको अभी रिलेट करेगा समझने में प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे एक्चुअल ग्रेनेड स्टोरेज प्रॉफिट यूसुफ ने पूरे मिस्र में बनवाया था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे मुझे मैंने सोचा कि डेफिनेटली इस पर तो तुरंत रिएक्ट करना चाहिए कि अभी वो प्लेस एग्जैक्टली कैसे है और जैसा सीरीज़ में दिखा रहे हैं उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए मैंने इसको फटाफट से पिकअप कर लिया। बिना देरी किए वह आई एस शुरू करते हो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से अपनी रिक्वेस्ट, अपनी कंट्री, अपना नेम मुझे भेजते रहिए। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये उस तारीखी गोदाम के मंजर हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया था अपने दौर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6,000 साल गुजरने के बावजूद जो है ये तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। हजारों साल गुजरने के बावजूद जो है ये दीवार अपनी तकरीबन असली हालत के अंदर मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई है। इस गोदाम की दीवार की आप ईंटें देखें, किस तरह से बनी हुई ईंटें देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। जनाब अली, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है ना गंदम को जमा किया था। मैं उस गोदाम के पास मौजूद हूँ। ये आप खुला देख रहे हैं चार दीवारी, ये वो गोदाम है जहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है यहाँ पर गंदम को जमा करवाया था नहर नील के करीब। वो सामने आपको जो दिख रही होगी वो नहर नील है। इस एरिया के अंदर जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गंदम को सेव करवाया था जब वो यहाँ के हाकिम थे। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये वो गोदाम है जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में जो है ना यहाँ पर गंदम को जो है ना सेव किया गया था इन गोदामों के अंदर। तो देखते हैं अंदर जाकर कि अंदर हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है ऑफिशियली जो है ना टूर वगैरह नहीं होता, लेकिन मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर आया हूँ टैक्सी को लेकर कि ये जो है गोदाम हम देखें। कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अगर हम जा सकते हैं तो करीब तक हम जाएंगे। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ऊपर चढ़ते हैं। हालांकि रेत है, चढ़ा नहीं जा रहा हमसे। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं करीब से इस गोदाम को जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। 6,000 साल के बाद भी ऐसे टिका हुआ है गंदम को जमा करने के लिए। सरप्राइजिंग। ओ भाई जान, ये देखें जी, हम इसके ऊपर चढ़ चुके हैं और भाई साहब यहाँ पर देखते हैं। ओह भाई साहब, ये देखें जी, मेरे ख्याल में आप जो है फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो है गोदाम, ये देख रहे हैं। इस एरिया के अंदर जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गंदम को जमा करवाया था। तो जनाब अली, अभी हम दीवार के ऊपर चढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये आप दीवार देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ से कितनी लंबी दीवार है ये देखें भाई साहब। ये पूरी एक चार दीवारी बनी हुई है। इस एरिया के अंदर जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है जमा किया था और सेव किया था गंदम को। तो ये खुला गोदाम है, वहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं लेकिन वो जो है ना हम उस तरफ नहीं जा सकते, ठीक है जी। और उस तरफ जो है वो आपको जो पानी नज़र आ रहा होगा वो नहर नील का पानी है। तो ये बिल्कुल नहर नील के साथ जो है ना इन्होंने ये गोदाम बनवाए थे, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो है ना ज़रात हुआ करती थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में। और आजकल भी जो है ना इसी एरिया के अंदर जो है देखें यहाँ पर ज़रात है, खेती बाड़ी हो रही है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में जो है यहाँ पर भी गंदम वगैरह हुआ करती थी, तो उन्होंने जो है यहाँ पर गोदाम बनवाए थे। ये देख रहे हैं कितना बड़ा गोदाम है। पर ऊपर से जो कुछ तो रेलवे का ट्रैक भी है, ये रेलगाड़ी जा रही है, देख रहे हैं मिस्र के अंदर। ये उस तारीखी गोदाम के मंजर है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया था अपने दौर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6,000 साल गुजरने के बावजूद जो है ये तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। गोदाम की जो दीवार बनी हुई है ये कच्ची जो है ना ईंटें हैं उससे बनी हुई है, और ईंटें भी काफ़ी बड़ी हैं, छोटी नहीं है। वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, वहाँ पर कुछ बना हुआ है लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं सकते, काफ़ी दूर है। सामने आपको जो पानी नजर आ रहा है वो नहर नील का पानी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मुझे ये विजिट करना था, ये गोदाम तो बड़ी ख्वाहिश थी इस गोदाम को विजिट करूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तोहमत लगी थी जुलेखा की तरफ से, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल सजा काटने के बाद जब तोहमत से बरी हो गए, तो मिस्र का जो बादशाह था उसने कहा कि मैं यूसुफ़ को जो है अपने ख़ास बंदों के अंदर शुमार करता हूँ, तो क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है उसके ख्वाब की ताबीर की थी और वो ताबीर जो है बिल्कुल 100% जो है ना सही ताबीर। ख्वाब की ताबीर ये थी कि 7 साल जो है ना पहले फरावानी के होंगे,
जिसके अंदर खेती बाड़ी अच्छी होगी, दरिया नील के अंदर पानी अच्छा होगा। फिर उसके बाद 7 साल आएंगे जिसके अंदर दरिया नील का पानी सूख जाएगा और फसलें नहीं होगी, और 7 साल जो है कहत साली होगी। तो फिरौन ने जो है उनको अपने ख़ास बंदा बनाने की कोशिश की। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ये फरमाया जो कुरान मजीद के अंदर आया है, قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم سورة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यूसुफ़ को ज़मीन का इक्तदार दिया और जहाँ पर भी यूसुफ़ जो चीज़ चाहते थे वो बनाते थे। ये जो गोदाम आप देख रहे हैं ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये गोदाम बनवाया था, और इस गोदाम के अंदर जो है गंदम को सेव किया जाता था। जो फरावानी के जो 7 साल थे उन 7 सालों के अंदर जो है ना इस गोदाम के अंदर गंदम को जमा किया गया था, सेव किया गया था। नीचे से आप इस दीवार को देख सकते हैं कितनी जो है ऊँची दीवार है, तकरीबन ये 10 से 15 मीटर जो है ऊँची होगी दीवार ये। लेकिन किस तरह से इन्होंने जो है ना ईंटें रख कर और कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने दीवार बनाई है, हज़ारों साल गुजरने के बावजूद जो है ये दीवार अपनी तकरीबन असली हालत के अंदर मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई है। आपको पता है कि रेत जो है ना जमा होती रहती है, इस वजह से जो है ना रेत आधी दीवार तक पहुँच चुकी है, हालाँकि ये दीवार काफ़ी बड़ी है। और मैं यहाँ पर ज़मीन पे खड़ा हूँ तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ऊंची दीवार है ये। या सलाम, ये देखें जी, अभी हम फसलों से जो है गुज़र रहे हैं और आप दीवार की जो ना आप थिकनेस देखें कितनी मोटी और कितनी चौड़ी दीवार है, ये यहाँ से चल रही है वो आखिर तक। वाओ, तू ये देख के तो बड़ा मज़ा आ गया यार। जैसे कि हमने अभी सीरीज़ में एग्जैक्टली वही पार्ट चल रहा है ग्रेन स्टोरेज का, और हमने देखा भाई अभी तो ऐसे चिमनी के शेप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कितने बड़े एरिया में बनाए। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि 6,000 साल, भाई कम नहीं होते, 6,000 साल बाद भी दीवारें ऐसी दिखना, ये तो मतलब हैट्स ऑफ। उस टाइम की टेक्निक किस तरीके से बनाए, ऐसी की ऐसी दीवारें खड़ी, या तो आज तो घर बनाओ आप वो 20-30 साल टिकते नहीं हैं, यहाँ 6,000 साल बाद गर्मी सर्दी बरसात धूप भूकंप सबसे टिक के वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। आई मीन हैट्स ऑफ, और पता चला एक्चुअली रियल एरिया क्या है। तो ये भाई साहब ने बहुत सही जगह जाके ब्लॉग बनाया, मतलब देख के मज़ा आ गया, एकदम रियल वाली फील आ गई। और सीरीज से बिल्कुल आप लोग इतने अच्छे अच्छे क्लोज रिएक्शंस मुझे बता रहे हो ना कि मज़ा आ जा रहा है, जिसको बोलते हैं देख के। तो अभी जैसे हम बिल्कुल उसी स्टेज पे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ में, ग्रेन स्टोरेज जहाँ पे अभी चल रहा है और वो फाइनल कैसे आ रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे। ये देख के ना भाई सच में एकदम रिलेट हो जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर फ्रॉम इजिप्ट जिन्होंने ये इजिप्ट का ब्लॉग शेयर करा, और ये अब्दुल लातिफ भाई जिन्होंने जाके ये ब्लॉग बनाया और सब्सक्राइब करा, सो हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल। बहुत मज़ा आ गया भाई ये देख के, उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना मज़ा आया। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।